हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसी अकेडमी पे। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यूबीटीआर स्टाफ नर्स का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आया है एग्जाम से रिलेटिव। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे न्यू टैब, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे यूबीटीआर। ठीक है, यूबीटीआर सर्च करने के बाद हम इनकी जो है सबसे ऊपर जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको हम क्लिक कर लेंगे। तो यूबीटीआर का ऑफिशियल पेज यहाँ पे खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, ये आज ही आया है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, इसका कल आ गया था और आज इसका जो है एडमिट कार्ड जो है आज से जो है एडमिट कार्ड इसके आने शुरू हो गया। ठीक है, एडमिट कार्ड नोटिस 28 मई 2021 एग्जाम, ठीक है, ग्रुप सी, ठीक है, डाउनलोड एडमिट कार्ड। ठीक है, तो मैं चलता हूँ इसको एडमिट कार्ड वाले पे, हम नोटिस पे डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो डाउनलोड मैंने पहले से किया हुआ था, आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो ये इनका खुल गया, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ अपर आमला देहरादून। तो क्या है, चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्टाफ नर्स के पदों पर लिखित परीक्षा आयोजन की सूचना परिषद द्वारा विज्ञापन संख्या 64, ठीक है, स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा दिनांक 17 अप्रैल 2021 के माध्यम से चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में उत्तराखंड के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 18 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड शासन द्वारा इतने दिनांक 18 मई 2021 के अनुपालन में दिनांक 28 मई 2021 को प्रातः 10 बजे से 1 बजे के मध्य लिखित परीक्षा का आयोजन देहरादून एवं हल्द्वानी परीक्षा शहरों में किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपके जो एग्जाम्स होने वालों कब होगा, 28 मई, यानी 28 मई को। ठीक है, यानी इसी मई 28 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और कहता है अभ्यर्थी दिनांक 21 मई 2021 को अपराह्न 1 बजे से परिषद की वेबसाइट पर, ठीक है, अपना जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ठीक है, आप 21 तारीख से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड यहां से 21 तारीख से यहां पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। यानी 21 से आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लोगे आप। ठीक है, और 28 तारीख को आपका ये एग्जाम्स होना है। ठीक है, प्रातः 10 बजे से 1 बजे के मध्य। तो अब इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट्स जो है इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि अभ्यर्थी जो होगा कैंडिडेट प्रवेश पत्र के साथ फोटो आईडी मूल रूप में साथ में रखेंगे। फोटो आईडी का मतलब आपके पास कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, यानी वोटर आईडी हो सकती है या आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, कुछ भी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ओरिजिनल होना चाहिए, और साथ में आप अपने एक उसकी फोटो कॉपी भी ले जा लेना, जो आप प्रवेश जो आप अपना जो आइडेंटिटी कार्ड ले जाओगे, चाहे कोई भी ले जा लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आई, उसका एक फोटो स्टेट भी आप साथ में रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है फोटो स्टेट भी वहाँ पर मांग लेते हैं। ठीक है, और अगर देखो यहाँ पे आपको और कुछ यहाँ पे और कुछ जरूरत नहीं है। कोविड कर्फ्यू के दौरान उक्त अभिलेख कर्फ्यू पास के रूप में, यानी कि क्या है, अगर आपको बाई चांस आप एग्जाम देने जा रहे हो, कहीं पे आप पुलिस आपको रोकती है, तो आप अपना जो वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड और जो एडमिट कार्ड आप वहाँ पे उनको दिखाओगे, ठीक है, तो आपको परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, वो आपको जाने देंगे। ठीक है, बाई चांस अगर कहीं पर आपको रोक देता है कोई, तो अभ्यर्थी द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का अक्षरश पालन करना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में मास्क, सैनिटाइजर, ठीक है, सैनिटाइजर की आपकी 50 ml की बोतल होनी चाहिए, और साथ में आप पीने की पानी पीने की बोतल आप साथ में लाएंगे। ठीक है, अगर आप ले जाना चाहते हो तो पानी की बोतल वैसे नेसेसरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी पानी का जो है जो पानी की व्यवस्था वहाँ पर भी रहती है, लेकिन यह है कि अगर आप अपना जो है चाहते हो कि भाई मैं सेफली अपना जो है पानी साथ में लेके चल जाऊँ, तो आप पानी की बोतल ले सकते हैं, बिस्लेरी जो आती है, ठीक है, बिना मास्क के अभ्यर्थी। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या करना है, एक तो
एडमिट कार्ड पे अभी एडमिट कार्ड निकलेगा इसका, तो उस पर इंस्ट्रक्शन क्लियर जो है वहाँ पे लिखे होंगे। तो सबसे पहले आपको मास्क ले जाना है, सैनिटाइजर ले जाना है, ठीक है ठीक है, साथ में आपको ग्लव्स भी ले जाने हैं, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है ग्लव्स के लिए, लेकिन आपको ग्लव्स लेके जाने हैं, ठीक है। 10 रुपये के या 15 रुपये के जो ग्लव्स आते हैं वो आपको सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, वो आपको ले जाने हैं। और पानी की बोतल आप ज़रूर ले जाना, ठीक है, क्योंकि बाई चांस वहाँ पे पानी की व्यवस्था ना हो तो आपको पानी की बोतल अपनी ले जानी है। और मास्क आप दो मास्क, डबल मास्क नहीं, डबल मास्क पहन के ही आप वहाँ पे जाना, ठीक है, क्योंकि डबल मास्क आजकल जो है डबल मास्क ही चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दो मास्क ले जाना है अपने साथ में, ठीक है। और अगर बेटर होगा कि N95 मास्क, ठीक है, N95 मास्क आपके पास हो, या फिर आप जो है जो फिफ्थ लेयर का जो मास्क होते हैं, आप दो मास्क उनको पहन के जा सकते हैं। तो अभी तो 21 तारीख से देखते हैं इसका एडमिट कार्ड पे क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं। तो 28 तारीख को आपका एग्जाम्स होगा यहाँ पे। तो काफ़ी जो है इंस्टॉलमेंट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट है उत्तराखंड में। अभी जो हाल ही में हॉस्पिटल्स में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, इसीलिए जो है एग्जाम जल्दी जल्दी कराया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल्स में। तो अभी और हो सकता है कि और भी जो है स्टाफ नर्स की और वैकेंसी आने के चांसेस हैं, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, ठीक है। आजकल जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में सभी जगह जो कोई ना कोई पोस्टें आ ही रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी आजकल कोविड में जो है काफ़ी रिक्वायरमेंट है, इस वजह से भी क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो ये इनका यहाँ से आपको एग्जाम नोटिफिकेशन आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो अभी मैंने आपको PDF दिखाया था वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें क्लियरली मेंशन है एग्जाम डेट 28 मई 2021 10 बजे से 1 बजे के बीच में, और एडमिट कार्ड 21 मई से आपके डाउनलोड करने शुरू हो जाएंगे, 21 मई से एडमिट कार्ड इसके अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी आपको पता ही है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल लेना, पासवर्ड डाल लेना, ठीक है। यहाँ से अगर ये अगर आपको अपना वो देखना है, सपोज़ आप अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए देखते हैं, अगर मोबाइल नंबर मांगेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, तो आपको यहाँ पे अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, आपका डेट ऑफ बर्थ, और एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा।